हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाने के बाद उस पर वीडियो किस तरह से अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो अपलोड करने का तरीका भी आपके पास आना चाहिए। यही नहीं कि आपने सिर्फ चैनल बना लिया है, इसके बाद आपको वीडियो अपलोड करनी नहीं आती है। तो इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं कि आप अपनी वीडियो को किस तरह से अपलोड करें जिससे कि उसके वायरल होने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अपनी वीडियो को ग्रो कर सकते हैं, अपलोड किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, जहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। दोस्तों यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने के लिए सबसे पहले हमें यूट्यूब वाले चैनल पर ओपन करना है। जैसे इसे ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे की ओर ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर एक प्लस आइकन का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह के इंटरफेस आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप अपनी शॉर्ट वीडियो अपलोड कर सकते हैं या फिर आप लॉन्ग वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं, तो हमें यहाँ पर चॉइस करना है अपलोड ए वीडियो पर। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारी जो वीडियो हैं जिसे हम अपलोड करना चाहते हैं वो यहाँ पर हमें क्लिक करनी है। जैसे कि मैं इस वीडियो को अपलोड करता हूँ तो यहाँ पर इस तरह आ जाती है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद क्या करना है हमें, यहाँ पर इसका जो टाइटल है वो देना है। टाइटल किस तरह के देंगे, मान लीजिए मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ तो जैसे कि इसका टाइटल देंगे हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कैसे करें। इस तरह से हमने यहाँ पर टाइटल दे दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर एक कॉमा लगा देते हैं। इसके बाद आप और भी यहाँ पर टैग लगा सकते हैं। इसके बाद सेम टू सेम ही आपको एड डिस्क्रिप्शन में ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन भी सेम टू सेम ही टाइप करनी है। नीचे आप कोई भी ऑप्शन लगा सकते हैं, कोई भी लिंक दे सकते हैं अपने चैनल का और बहुत सारे टैग यहाँ पर भी अपलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना है, नीचे ऑप्शन आता है विजिबिलिटी का, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलते हैं पब्लिक्स, अनलिस्टेड, प्राइवेट। इनका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप पब्लिक्स पे करते हैं तो आपकी जो वीडियो है सीधे ही पब्लिश हो जाएगी। इसके बाद आता है अनलिस्टेड, अनलिस्टेड पर ज़्यादातर जो बड़े यूट्यूबर होते हैं वो वीडियो रखते हैं। और इसके बाद प्राइवेट, प्राइवेट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो हमें क्या करना है, अपनी वीडियो को अनलिस्टेड करना है। अनलिस्टेड करने से क्या होता है, हमारी वीडियो रैंक होती जाती है, तो अनलिस्टेड कर देना है। यहाँ पर नीचे आते हैं, ऑडियंस का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। ऑडियंस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे कुछ ऑप्शन मांगता है, यस इट मेड फॉर किड्स, यानी कि ये वीडियो छोटे बच्चों के लिए बनाई गई है या फिर बड़े के लिए। तो हम यहाँ पर इसे नो रहने देते हैं, जिससे कि हमारी वीडियो है जो सभी के लिए देखी जा सके, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो। इस तरह से हम यहाँ पर इसे क्लियर कर देते हैं। नीचे आते हैं तो यहाँ पर ऐड टू प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलता है। अगर आपने प्लेलिस्ट बना रखी है तो आप इन पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप रहने दे सकते हैं। इसके बाद अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हमारी वीडियो है जो अपलोड होना शुरू हो जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो वीडियो प्रिपेयरिंग है वो होनी शुरू हो चुकी है और ये अपलोड हो रही है। कुछ टाइम बाद मैं आपको बता देता हूँ इसके बाद हमें क्या करना है। इसके बाद हमें जाना है अपने YouTube स्टूडियो में। इसके बाद YouTube स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमारे सामने हमारा जो चैनल का यानी कि डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाता है। कंटेंट पर आ जाना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। आप देख रहेंगे कि हमारी वीडियो अभी अपलोडिंग पर चल रही है। कुछ टाइम बाद हमारी जो वीडियो है कुछ इस तरह से यहाँ पर शो करने लग जाएगी, क्योंकि हमारी जो विजिबिलिटी है वे पेंडिंग है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है पेंसिल का, इस पेंसिल वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। अब आप चाहें तो इसमें टाइटल चेंज नहीं करना है, क्योंकि टाइटल आपको सेम टू सेम यहाँ पर रखना है, जैसे कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कैसे करें। इसके बाद आपको नेक्स्ट भी कुछ लिख सकते हैं। नीचे आ जाना है, आपको एक ऑप्शन मिलता है टैग का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अपनी वीडियो में टैग नहीं लगाते हैं तो आपकी वीडियो रैंक नहीं करेगी। इसके बाद हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको टैग किस तरह से लगाने हैं, सबसे पहले जो हमने आपको टाइटल में जो लिखा है वही यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देना है। इसी के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से कर देना है। नीचे आना है, फिर यहाँ पर दोबारा से लिखना है यूट्यूब पर वीडियो किस तरह से अपलोड करें। जैसे भी आप, अगर इसके बारे में आपको बता दूँ टैग आप कहाँ से ले सकते हैं, टैग लेने के लिए आपको जाना है दोबारा से यूट्यूब पर। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, YouTube पर वीडियो। जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको आ जाएंगे, इन सभी से आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए आपको इन पर इस तरह से करना है, कॉपी करना है और आपको दोबारा से टैग वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो वीडियो है वो डायरेक्ट ही आपके जो व्यूअर हैं जो उसे सर्च कर रहे हैं उनकी लिस्ट में आना शुरू हो जाएगी।
मोर ऑप्शन पर एक और ऑप्शन आपको बता देता हूँ कि जो आप वीडियो बनाते हैं उनका जो कैटेगरी होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कुछ ऐसे होते हैं लोग जो कि यूट्यूब पर वीडियो तो डालते हैं पर उनकी सही कैटेगरी वहाँ पर नहीं दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ तो हमारी जो वीडियो है वो आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो मैंने यहाँ पर चॉइस कर लिया है। मान लीजिए अगर मैं कोई खेल कूद की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्रिकेट की अपलोड कर रहा हूँ, तो हम उसे दिखाएंगे सपोर्ट में। और अगर आप कोई ब्लॉगिंग बना रहे हैं तो आप ट्रेवल में दिखा सकते हैं, अगर आप कोई गाना गाते हैं तो म्यूजिक में, और अगर आप कोई एजुकेशन के बारे में बताना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एजुकेशन दिखा सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको कैटेगरी मिल जाती है। कैटेगरी से फ़ायदा ये होता है कि आपकी वीडियो ज़्यादातर ग्रो होने लग जाती है और ज़्यादातर लोगों तक पहुँचनी शुरू हो जाती है। और टाइटल अगर आप सही देंगे, कैटेगरी आप सही चॉइस करेंगे, टैग आप सही लगाएंगे, तो आपकी वीडियो पक्का वायरल होगी, ये मैं आपको कह देता हूँ। इसके बाद नीचे आती हैं कि आप कमेंट अपने डिसेबल करना चाहते हैं या फिर अलाउ करना चाहते हैं। तो ज़्यादातर केस में क्या होता है, अगर आप ऑल कमेंट को अलाउ करते हैं तो इससे आपकी कमेंट ज़्यादा आएंगी, जिससे क्या होगा आपकी वीडियो की रैंक बढ़ेगी। और अगर आप कमेंट को डिसेबल कर देते हैं तो इससे क्या होता है, यूट्यूब समझता है कि इस वीडियो में कुछ ऐसी खास नहीं है, कोई चीज़ बताई नहीं गई है, या फिर कोई चीज़ बताई गई है वो फेक बताई गई है, जिससे कि इसने अपनी कमेंट है जो डिसेबल कर दी है। इसके लिए हमें अपनी कमेंट को डिसेबल नहीं करना है, अलाउ करना है ऑल कमेंट हमारे पास आ सके बिना किसी रिव्यू के। तो इस तरह से आपको कर देना है। नीचे आपको स्टैंडर्ड लाइसेंस पर क्लिक करना है कि हमारी जो वीडियो है ओरिजिनल है। इसके बाद हमें नेक्स्ट जाना है और ऑप्शन मिलता है थंबनेल का। थंबनेल एक बहुत ही अच्छा रोल निभाता है। अब हमें क्या करना है, अपने इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ से हमें अपने चैनल पर थंबनेल लगाना है। इसके बाद कस्टम थंबनेल पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी वीडियो के लिए थंबनेल क्रिएट किया है उस पर क्लिक करें। जैसे मान लीजिए मैंने इसके लिए पहले से ही थंबनेल बना रखा है, तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर आप ये लिख सकते हैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किस तरह से करें। तो यह आपके ऊपर है कि आप क्या लिखना चाहते हैं, टैग थंबनेल इस तरह से। तो मैं इसे यहाँ पर लगा देता हूँ। इसके बाद हम इसे कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद हमारी वीडियो को थोड़ा सा टाइम लगेगा सेव होने में, तो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो सेव हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, दोबारा से इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पेंसिल वाले ऑप्शन पर जाना है और इस वीडियो को हमें अब मन चाहे पब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो वीडियो है रेडी हो चुकी है। हमने इसके टैग, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन सभी तैयार कर दिए हैं, और जिससे कि हमारी वीडियो व्यूवर तक जाने में आसानी हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आगे भी आने वाले वीडियो आपको पसंद आएंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।